स्काउट भी बैठे होंगे एजेंसियां दे, बड़े मुखबर भी बैठे होंगे, ते नोट भी कर रहे होंगे कि क्या बात करेंगे। हम उनके लिए पैगाम देना चाहते हैं कि जिन्हों बहु नवाज शरीफ नाल मोहब्बत है कि हमने नवाज शरीफ को इख्तदार में लेकर आना है, तो पहले मोहब्बत अपने घरों शुरू करो, घर लेके जाओ नवाज शरीफ नू, रिश्ते दो भी तो लियो भी। जिन्हों बहु मोहब्बत इमरान खान नाल अपने घर लेके जावे, इमरान खान ना रिश्ते दवे भी ते लवे भी। जिन्हों बहु मोहब्बत सरदारी दे पट्ठे नाल अपने घर लेके जावे। पाकिस्तान खून दी नदियां ते बनिया, ते पाकिस्तान इस बुनियाद ते हासिल कीता गया सी कि ते हुजूर दा दीन आएगा। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाई बस भाई बस भाई बस हेलो बस 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 गल करनी ना जी, हुन मुख्तसर गल करनी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين। आला हजरत अजीम उल मर्तबत फरमाते हैं जेड़े थके बैठे जिन्होंने को ठंड लग रही या काफ़ी देर इंतज़ार करना पे उन्होंने वास्ते जोफ माना, मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका ना करे। तो हूँ जिन्हों की थकावट लथ जावे, मैं गल सुनाई जावा। हजरत दरार बिन अजबर रदी अल्लाह तआला अन्हु पूरी दिन जनाब जंग लड़ी ना, शाम का टाइम हो तो घोड़ा थक गया। मुशरिकीन ने क्या कुफार ने कहा जे ये बंदा काबू आ गया ना तो अज असी जंग जित जावांगे। हज़रत दरार बिन अजबर ने कहा कि घोड़ा तो हुण लम्मा पै गया तो इन्होंने तो मैनू घेरा पा लिया। तो आपने पता की किया घोड़े के कान में, आपने फरमाया जे तू अज मैनू इस कुफार दे लश्कर तो बाहर ना कढ़िया ना, शिकायत तो इला रसूल अल्लाह, फरमाया मैं तेरी शिकायत हजूर की बारगाह विच ला दिया। सुन असल गल जी ना वो अगली है, सरकार दे नाम आन दी देर दी बरकत सी रसूलुल्लाह, ए लफज आन दी देर दी बरकत सी के घोड़े दे विच जवानी आ गई, घोड़े ने छलांग मारी ते लश्कर तो बाहर लै गया। ते फिर जिन्ना लब्बैक दे नारे दे विच जवानी ना आवे, वो समझे दिल विच जात मारे सरकार नाल कितनी मोहब्बत है मैनू। ओ जिहड़े तुसी सज्जी साइड वाले बैठे हो कुर्सियां ते तुहाड़ा कोई नहीं है सरकार नाल ताल्लुक, तुहाड़े कोल बहु माल है कि तुसी जनाब इस वास्ते हाथ नहीं चुकदे। आ सारे चुको, सारे आ चुके, नारा लाओ या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक लबैक। जिसको हो जानो दिल अजीज वो लबैक में आए क्यों। जिन्हों कोई लबैक नाल मसला है, लबैक दा नारा नहीं ला सकता, उन्हें हाथ कोई बीमारी है हाथों के बेच तो घर बिया करे आराम नाल। असा कोई अपने नारे लवाते हैं, साढ़े नालों कोई गल है, असं कोई अपनी गल कराते हैं, अभी तो मालक की गल कर, जो मालक का नारा आ जाए तो फिर दीवाना वार नारा लाया करो लबैक। लो जी बड़ी मुख्तसर गल, क्योंकि पिछे दिन रह गए तीन। हाँ जी चौधरी साहब, पिछे तीन दिन रह गए ते निस्बत भी है सय्यदा पाक दी। हाँ जी तीन दिन रह गए तो सय्यदा पाक की नस्बत है, तो अज का दिन भी कुछ मिला लवो तो हक चार यार की नस्बत है, ठीक हो गया। नस्बत पिछे रह गई त्रै या चार रह गई, दिन पिछों बिल्कुल घट रह गए। कौम ने फैसला करना कि चौधरी साहब न असम्बली में पहुँचा के हजूर दे दी का झंडा बुलंद करना या इन्हें बागिया ने बुला। लो जी मैं अब मारे आका हूँ मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने लगा हूँ। फरमान सुना के मेरी गल भी खत्म, फैसला क्योंकि गल्लां ते हो गई ना जी, क्या दे चोरी साहब गल्लां ते हो गई, गल्लां तुसी कर छड़ियां, तुसी बड़ी कमाल की गुफ्तगू कर छड़ी माशाल्लाह। अल्लाह आपनू सलामत रखे, आबाद रहो। अल्लाह ताला हासी दीन दी असद कोलो महफूज रखे आपनू, ए फितना परवर लोगों के फितना कोलो ही महफूज रखे। आल सरकार का फरमान सुनान लगा जी,
सरकार ने फरमाया मम शाह मा जालिमिन लियुकव्वियहु व हुव यालमु अन्नहु जालिमुन फकद खरज मिनल इस्लाम। सरकार ने फरमाया कोई आदमी किसी जालिम दे नाल चलिया, अदरा बड़े ध्यान नाल कोई थी आगे ये ना कहे मौली साहब जनाब जी सियासत दे बुला, लोगों नूं बड़ी पीड़ है, बड़ी पीड़ है यार, मैनूं समझ नहीं आती चौधरी साहब मैं घूम रहा, मैनूं समझ नहीं आती, कलमा पढ़िया सारे ने, सारे आशके रसूल भी हैं, सारे कलमा गो भी हैं, फिर सानू दीन वास्ते वोट मंगन दी जनाब लोगों ने तरले करने पैंदे, ये समझ नहीं आ रही मैनूं इस काम की गल के पाकिस्तान बनिया कुर्बानियां दे नां ते, उस टाइम की रोटी नहीं लभ रही सी, पाकिस्तान इस वास्ते बनिया, कोई बंदा मैनूं खड़ा होकर कहे कि जनाब जनाब कायद आजम रोटी नहीं लभ रही सी, जनाब अला जनाब कायद आजम ते अलामा इकबाल रोटी नहीं लभी तो सुबह जनाब उन्हें पाकिस्तान बना छड़िया, 18 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दितियां, खून दी नदियां ते पाकिस्तान बनिया, तो उस टाइम की नारा लगया सी, लोगों को बड़ी तकलीफ है कि मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक है, मैं कहा उस टाइम नारा की लगया सी बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, तारीख पढ़ी जे कोई नहीं कौम ने, कौम ने जोड़ के ABC पढ़ी, यहूदों नसारा दी गुलामी की थी उन्होंने जनाब उन्होंने तारीख पढ़ी जे कोई नहीं कि 1857 तो लैके 1947 तक उलमा ऐसा जिन्हें कुर्बानियां दीतियां थे पाकिस्तान हासिल होया, अलामा फजल खैराबादी कौन सन, मौलवी सन ना, अलामा अहमदुल्ला शाह मदरासी कौन सन, अलामा किफायत अली काफी कौन सन जिन्हें नात लिखी, फंदे की तरफ जाने का कोई कुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाए। वोट देना है भाई हुदे दीन वास्ते, वोट पाना है लबैक नू, गली गली पैगाम पहुंचाना है, अलावा चौधरी साहब तुसी परेशान नहीं होना, ओ हुण जिहड़ा आया ना गंजा, हाँ हाँ सही गल कर रहे हैं, मैं ते उस दिन अलामा साहब दी वीडियो वेख के ना जिवें उन्होंने बैरियल नूं चुकिया ना ते इस दफा कि साढ़े वोट ते डाका मारा ते असीं चुक के बाहर सुट देना, हाँ ते असीं बैरियल नूं हाथ मारे है ते जनाब कोई शह अगे नहीं रहे, जिस ने जगह पार्लीमेंट के हाथ लाने ते अंदर कोई शह नहीं रहनी, हाँ फिर हजूर दा दीन आ जाना है इंशाल्लाह। मैं उस दिन इकबाल को पूछा, मैं इकबाल दस ए दलेरी आंदी किस गल तो, लोग टंगा कमन लग पाया रहो जी अलामा साहब पता नहीं कराओ की है, मैं इकबाल दस ए दलेरी आंदी किस गल, सामने फोर्सेस खड़ी होवन, वो कह रहे हैं जी हमने नहीं जाने देना गंजा आया होया, मैं गंजा केड़ी जनाब कश्मीर फतह करके आया, केड़ा कश्मीर फतह करके आया खलोता गंजे साहब जनाब, और कड़ा बैतुल मुकद्दस की आजादी कर गया कलोदन के जनाब असी इस्तकबाल करिए, मैं कहो वक्त लंघ गया, वो मौलवी भी गुजर गया, वो पीर भी गुजर गया जो तुम्हारी चापलूसियां करते थे, हम कौन है मोहम्मद अरबी गुलाम जो सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इतने बड़े टाउट भी बैठे होंगे एजेंसियों के, बड़े मुखबर भी बैठे होंगे, ते नोट भी कर रहे होंगे कि क्या बात करेंगे, हम उनके लिए पैगाम देना चाहते हैं कि जिन्हों बहु नवाज शरीफ नाल मोहब्बत है कि हमने नवाज शरीफ को इक्तदार में लेकर आना है, तो पहले मोहब्बत अपने घरों शुरू करो, घर लेके जाओ नवाज शरीफ नू, रिश्ते दो भी तो लियो भी, जिन्हों बहु मोहब्बत है इमरान खान नाल अपने घर लेके जावे, इमरान खान रिश्ते दवे भी ते लवे भी, जिन्हों बहु मोहब्बत सरदारी दे पट्ठे नाल अपने घर लेके जावे, पाकिस्तान खून दी नदियां ते बनिया ते पाकिस्तान इस बुनियाद ते हासिल कीता गया सी कि ते हुजूर दा दीन आएगा। समझ आ रही भाई, हुण ना नाली दे वोट देना है ना खंभियां दे वोट देना है, यार इस तो बाहर निकली है ना यार, नाली गली जनाब इस तो बाहर निकली है, बड़ा काम है, कश्मीर नहीं फतह करना, और इस टाइम तक ना इस टाइम तक 35,000 मुसलमान गजत शहीद हो गए, जे कल वो सरकार की बारगाह भी चले गए कि हजूर साडा जुर्म की सी, यह पाकिस्तान साढ़े नाल सी, एटम बम भी सी, सारा कुछ सी, साढ़े वास्ते किन्नी आवाज भी नहीं उठाई,
ਜਿਹੜੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਅਤਾ ਤਾੜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਲਫ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹਲਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਤਜੀਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਲਫ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ, ਡੰਗੇ ਦੇ ਚੋੜ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਖਾਧਾ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ? ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਬੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਰ ਏ, ਪੀੜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਫਕੀਆਂ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪੀੜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਚਮਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਆਏਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਯਾ ਅਲੂ ਵਲਾ ਯੋ ਅਲਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਗਲੂਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਮ ਸ਼ਾਹ ਮਾ ਜ਼ਾਲਿਮਿਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਨ? ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਸਾਜਿਦ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਉਤਰਵਾਏ, ਦੁਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੂਦ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਅਹਿਦਾਰ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਲੂਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 34 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮੂਸ ਤੇ ਰਸਾਲਤ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਦਿਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬਾ ਮਹਬੂਬੇ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਬਸਤਹਿਮ, ਜੀ ਜੀ ਹੱਥ ਬਯਕ ਦੀ ਕਰ ਪੈ ਵਸਤਹਿਮ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਮ ਸ਼ਾ ਮਾ ਜ਼ਾਲਿਮਿਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਾ ਵਯਾਲਮ ਅੰਨਹੁ ਜ਼ਾਲਿਮੁਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮੂਸ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਤ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮੂਸ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੱਭਾਏ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ, ਲੱਭਾਏ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹੀ ਤਕੱਬਰ, ਇਹੀ ਜਨਾਬ ਲਹਿਜਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਅਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਅਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਸਲਾਮ ਫਿਰ ਕਿਤਨਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਿਤਨਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਬੂ ਜਾਲ ਅਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮਾ ਪਵਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲੱਭੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਕਬਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਲਾ ਸੁੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ।
पूरा दिन सफर दा ही चल रहा, कोई नहीं हुण जाके फिर इतो करके फिर बावलपुर चले जाना, कोई नहीं सोना, जागना है कि यार कोई नहीं हो सकता है, यही क्या मतलब बख्शी का समान बने हजूर होर तो कोई नेकी की थी, कोई नहीं थोड़े दीन की खिदमत करते रहे, यह गल इतनी गल है। हुण मेरे नाल इत्थे तुसीं वादा करो कि त्रै दिन सोना कोई नहीं, फिर सोना ही है ना, कहना मर जाना है, सोना कोई नहीं, गली गली महल पैगाम देना, दस्तक देनी, उन्होंने कहना है भाई यह हजूर के दीन के पैरेदार हैं, वोट करें दे लाने, मोर करें दे लानी, फिर सरकार का फरमान दसना, लोगों को समझाना, ओ यार अभी 76 साल सारे सियासी ने ठोकर खा दी, अज हजूर के दीन नाल वफा करने का वक्त आ गया, घरों निकलना भाई, घरों निकलना है, 8 तरीक नूं घरों निकलना है, अपने घर नूं भी कढ़ना है, अहबाब नूं भी कढ़ना है, तो किहदे नाल वफा करनी, सरकार के दीन नाल वफा करनी। लो जी सरकार ने की फरमाया, मम्मा शाह मा जालिमिन, कोई आदमी किसी जालिम दे नाल चलिया, वो यालम अन्नहु जालिम, उन्हें पता के बंदा जालिम है, मैं सरकार दा फरमान सुना रहा, किसी मीर ते मुल्ला दी किसी गल नहीं सुना रहा, वो यालम अन्नहु जालिम, सरकार फरमांदे कि वो बंदे नूं पता के बंदा जालिम है, तो फिर की होएगा, उन्हें नाल चलिया, ली कव्याहू, ताकि उन्हें मजबूत करे, उन्हें बैनर लावे, उन्हें ठप्पे लावे, उन्हें वास्ते कानूनी मीटिंग करे। यार मैंने वैसे मैं रात भी गल की, ए नून लीग का जरा हेड है ना जो लाहौर अंदर निश्तर पारी, मैं रात भी गल की, मैं कह मैं अज तक पाकिस्तानी कौम की समझ नहीं आई, ये मैं समझ ही नहीं आ रही, मैं कोई समझावे बिठा के, मैं समझने तैयार हाँ, वल्ला समझने, मेरा दर्द है, मैं कोई कौम समझा दे। यार असं अपने इज्जत देते बड़े गैरतमंद हाँ, जिन्हें खत्म नबूत डाका मारिया, कौम फिर उन्होंने फ्लैक्सा किमें लगन दे रही, मैं हैरान है, उन्होंने दफ्तर किमें खुल रहे, नामू से रिसालत के गद्दारा के जनाब वोट लोग किमें मांग रहे हैं, मैं थोड़े तो कौम को सवाल कर रहा, मैंने तुझे दस दौ, मैं तुझे समझा दौ, क्या अस अपने नबी नाल अपने प्यो जिनी भी इज्जत कोई नहीं, गैरत कोई नहीं की, साडे दिलों में अपने प्यो जिनी भी मुहब्बत कोई नहीं सरकार नाल, कि सानू पता कि नून लीग ने खत्म नबूत डाका मारिया, असा फिर उन्होंने नाल खड़े हाँ, उन्होंने फ्लैक्सा भी लग रही, असा फिर कोई गैरतमंद उम्मत ही तो नहीं हो सकते, बेगैरत उम्मत ही हो सके जो उन्होंने खड़ोवेगा। मैं खुले आम गल करके जा रहा, वेखो एक बंदे ने नामू सर रिसालत की गद्दारी की, सरेआम है नून लीग का पता कि दीन दे बागी हैं, इन्हें 35 साल तो पूरे कौम नू मकरूस बनाया, तो हूँ कोई जाकर उन्होंने तस्वीर लावे दे, उन्हें तस्वीर थले अपनी तस्वीर ला के कहे जी मैं नून लीग के साथ हूँ, तो वह की दसना चाहता, वो की चाहता कि मेरा हजूर नाल कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो नवाज शरीफ नाल लीडर बनी खलोता, दसो ना भाई, समझ नहीं आनी मैंने इस कौम की, कि फिर जनाब सानू कहते हैं बुरा भला जले हो, दुनिया भी बचा रहे हैं, थोड़ा ईमान भी बचा रहे, थोड़ी कबर भी बचा रहे, कल हशर भी बचा रहे, असा एवं अलहमदुल्ला साड़ी जित, मैं तुम दसो लोग कहते लब्बे को जीतने नहीं देंगे, मैं क्या यार मैं दस करबला के 72 कुरबान होए कुरबान, तो क्यामत तक उन्होंने जीते या बाकी की जीते, क्यामत तक 72 की जीते ना, तो असा खड़े हो गए ना जालमन के खिलाफ, साड़ी जीत ही जीते अलहमदुल्ला, ना जालमन के खिलाफ अभी खड़े हो गए सरकार के फरमान के मुताबिक, साड़ी जीत ही जीते। लो जी मम शाह अली कव्याहू, सरकार ने फरमाया वो किसी जालिम नाल चलिया, उन्होंने पता के बंदा जालिम है, ली कविया हूँ, उन्हें उसको तकवीत दी, उसको मजबूत किया, उसको MPA बनाया, MN बनाया, वजारत उज़्मा तक पहुँचाया, असम्बलियों में पहुँचाया, तो फरमाया ली कविया हुआ हुआ यालम अन्नहु ज़ालिमुन, फरमाया उसको पता है कि यह बंदा जालिम है, तो फिर क्या होगा, मैं सरकार का फरमान सुना कर जा रहा हूँ, फैसला आपके हाथ पर देकर जा रहा हूँ, अगर इस इलाके से ये हमारे उम्मीदवार जीत गए तो मैं समझूंगा कि लोगों ने हुजूर के फरमान पर अमल करके सारी दुनिया को ठोकरों पर डाल दिया, कि सारी दुनिया से बेवफाई हो सकती है, सरकार से बेवफाई नहीं हो सकती। फरमाया फकद खराजा लो जी फकद खराजा मिन अल इस्लाम, सरकार ने फरमाया जेड़ा किसी जालिम दे नाल चलिया, उन्होंने पता है बंदा जालिम है, उन्होंने तकवीत दी, फरमाया और की किया फिर उस तो बाद, फरमाया फकद खराजा मिन अल इस्लाम, वो तो इस्लाम तो निकल गया, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लो जी सोना तो कोई नहीं ना, हूँ नौजवानों थोड़ा तो है ना, नौजवानों खड़े हो जाओ, हूँ तुम हो उम्मीद पाकिस्तान की, तो तुम हूँ खड़े हो गए पैगाम पहुँचाना है, यार बाबा जी व्हील चेयर से बह के नहीं थके, ऐसा थक जाइए फिर, तो फिर वफा करनी, ठीक है, निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए, तो लुटन वाले रज के रुटिया, जागण वाले जान गए, हुण नारा लाओ दीन दा, ते मैनू पता चले कि वाकई हुजूर दा दीन आया 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 आया, 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 आया।
आया 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 आया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा हर मुस्लिम इज्जत पाएगा इंशाअल्लाह।